कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने के लिए सर माननीय राष्ट्रपति जी होना चाहिए सर उपस्थित हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी ने न्यू इंडिया का विजन अपने अभिभाषण में प्रस्तुत किया है। जब मैं माननीय अधीर जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू की जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। मुझे एक पुरानी एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे, और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी, पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे, उन्होंने कहा देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है, ये निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो वहां एक मौलवी जी बैठे थे, उन्होंने कहा अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। तो इन संतों ने कहा भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई दे रहा है ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे, उन्होंने कहा मुझे भी सुनाई दे रहा है, तो पहलवान ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। माननीय देखिए, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। पीएम और पीएमओ के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का तरीका करने वालों को
संविधान का महात्म्य, संविधान का महात्म्य समझना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है वो देश भली भांति देख रहा है, समझ भी रहा है, और देश की चुप्पी भी कभी न कभी तो रंग लाएगी। एक शायर ने कहा था, और शायद इस स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है और उसमें कुछ बुरा भी नहीं, लेकिन किसी को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बंटवारा कर दिया। सदन के मैं चर्चा के दरवान गांधी जी के कथन को लेकर के भी बात कही गई। कहा गया कि सीए पर सरकार जो कह रही है वो गांधी जी की भावना नहीं थी। खैर, कांग्रेस जैसे दलों ने तो गांधी जी की बातों को तो दशकों पहले छोड़ दिया था। पूरी तरह कोटेबल कोट इज अवेलेबल और हमने 500 बार दे दिया है। क्या पंडित नेहरू हिंदू मुस्लिम में भेद किया करते थे? क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? जो उन्होंने जो बातें कही, क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की दिक्कत ये है, वो बातें बनाती हैं, झूठे वादे करती हैं और दशकों तक वो वादों को टालती रहती है। आज हमारी सरकार अपने राष्ट्र निर्माताओं की भावनाओं पर चलते हुए फैसले ले रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। संविधान को सम्मान करें, आइए मिल बैठ करके देश चलाएं, आइए देश को आगे ले जाएं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक संकल्प लेकर के हम चलें, आइए देश के 15 करोड़ परिवार जिनको पीने का शुद्ध जल नहीं मिल रहा है वो पहुंचाने का संकल्प करें, आइए देश के हर गरीब को पक्का घर लेने के काम को हम मिलकर करके आगे बढ़े ताकि उनको पक्का घर मिले, आइए देश के किसान हो, मछुआरे हो, पशुपालक हो, उनकी आय बढ़ाने के लिए हम कामों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाइए, आइए हर पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दें, आइए एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम मिल बैठ करके आगे चले, इसी एक भावना के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति जी को अनेक अनेक धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।